अगर आप यूरोप में रहते हो और आपको ये लगता है क्या चेहरे पे लगाए, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, या ये अच्छा नहीं है, या फिर क्या गर्मियों में पहने, तो ये वीडियो आपके लिए। या वेबसाइट से क्या सर्च करें, या कहाँ से लें कपड़े, ये वीडियो आपके। गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं अभी ट्रैवल वीडियो डालने वाली हूँ और एकदम से आप लोगों को सरप्राइज मिला, पर मैं ट्रैवल सीरीज जो है, जो कि इटली की ट्रैवल सीरीज है, वो स्टार्ट करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो हम लोगों को नहीं पता होता यूरोप की गर्मियों के बारे में, और यूरोप की गर्मियों के बारे में भी कि हम लोग क्या चेहरे पे लगाएं, क्या बेस्ट थिंग है, या फिर किस तरीके के कपड़े पहने। लोगों को ये भी एक धारणा है यहाँ पर कि गर्मी नहीं होती, पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है कि राइट काइंड ऑफ क्लोथ्स चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट काइंड ऑफ फेस पे जो भी आप लोग अप्लाई करते हो, सनस्क्रीन, द काइंड ऑफ सीरम एंड फेस वॉश, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो जो है वो उसी के ऊपर है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जब आप पूरा देखोगे, आप लोगों को बहुत सारे ऐसी चीज़ें पता चलेगी तो जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ मेरे कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो इंडियन स्किन या एशियन स्किन के लिए बेस्ट हैं। और मैंने मतलब ये बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद ही मुझे पता चला कि हाँ यार ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो वही मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं आपसे कुछ फैशन हैक्स या आप ट्रेंडी कैसे दिख सकते हो और सेम टाइम पे आप इतनी गर्मी से बच सकते हो, प्लस यहाँ पर टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि जो सन रेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए या नहीं, करना भी चाहिए तो सिर्फ फेस पे करना चाहिए या हाथ पैर में भी करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स हैं जो मुझे हमेशा मैसेजेस और कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते रहते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलो देखते हैं कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं मैं इस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ। और मैं अभी जो ट्रैवल करके आई हूँ वो बहुत ख़तरनाक वाला ट्रैवल करके आई हूँ, उसके बाद भी मुझे इतनी टैनिंग नहीं हुई है, यू कैन सी दैट। मतलब 8 दिन का बिल्कुल धूप वाली गर्मी में, और कैसे मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया और क्या क्या चीज़ें यूज़ करी अपनी बॉडी और स्किन में, एंड किस तरीके के कपड़े पहने उस ट्रिप पे ताकि मैं कंफर्टेबल फील करूं, मेरे पिक्चर्स भी अच्छे आए, मैं ट्रेंडी लगूं वहां पर, मेरे वीडियोस भी अच्छे आए और कपड़े जो हैं वो एकदम अलग हों सारे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और मैं आपको बताती हूँ। मेरे लिए डे क्रीम, सनस्क्रीन, एक अच्छा फेस वॉश, नाइट क्रीम और रिंकल केयर के लिए कुछ, एंड सीरम और फेस मास्क, मॉइस्चराइजिंग फेस मास्क, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्किन को केयर करने के लिए। तो सनस्क्रीन तो जो है वो मैं मेडिकेटेड सनस्क्रीन लगाती हूँ, 50 SPF से ज़्यादा, तो बहुत सारी आपको मेडिकल जो है वो मिल जाएगी, बट हाँ अच्छी रेंज में, दैट आई यूज़ इट। और हमेशा मतलब अगर मैं घर पे भी रहती हूँ तो भी लगाती हूँ क्योंकि सन रेज जो है वो अंदर आती है, और बाहर जाती हूँ तो पक्का पक्का लगाती हूँ। एंड देन आई ऑल्सो यूज़ दिस बॉडी सनस्क्रीन जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सिर्फ चेहरा काला या टैन नहीं होता है, आपके हाथ पैर भी टैन होते हैं, और टैन होने का मतलब ये जल जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच आई एम यूजिंग राइट नाउ, एंड मैं सारी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी। उसके बाद है एक रेंज जो मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ और वो बहुत ही अच्छी रेंज है, जिसमें स्लीपिंग मास्क है, एंड देन सीरम है, एंड देन आई क्रीम है, और रिंकल केयर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वही मैं आपको बताती हूँ। ये है स्लीपिंग मास्क। स्लीपिंग मास्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी स्किन जो है वो रात में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, और अगर आप राइट काइंड ऑफ क्रीम चूज़ करते हो तो वो अच्छा रहता है आपके लिए, और वो भी मॉइस्चराइजिंग वन, वो बेस्ट है। तो मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ।
एंड देन आई क्रीम, आई क्रीम भी इम्पॉर्टेंट होती है. आई क्रीम के लिए आई एम यूजिंग दिस वन एंड द बबल मास्क. दिस मास्क आई लाइक द मोस्ट. दिस इज द बबल मास्क. आई डोंट नो आप लोगों ने बबल मास्क के बारे में सुना है या नहीं, पर बबल मास्क जो है ये बहुत बहुत ही अच्छा है. ये डीप मतलब जो क्लीन मास्क है और जो आपके पोर है उसको क्लीन करता है. तो ये बबल मास्क मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ और एक दो दिन हो जाते हैं फिर ऐसा लगता है जो स्किन है वो अरे अच्छी नहीं लग रही, तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ एंड इट लुक्स बेटर आफ्टर दैट. देन इसके बाद है ये प्रोडक्ट्स. ये प्रोडक्ट जो है ये आप देखो, इसको आप तुरंत मूड होने के बाद जो अपने टिप पे लेके एंड देन फेस पे अप्लाई कर सकते हो. बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है और आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेगी आफ्टर यूजिंग दिस. एंड देन ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस वन. इसमें एक सीरम है और एक आप ये देख रहे हो, ये एक सीरम है और ये वाला सीरम है और ये है क्रीम जो आपको रीस्टोर करेगा और रिंकल केयर के लिए ये बेस्ट है. हर कभी तो नहीं यूज़ करती बट एक हफ्ते में एक आध बार जो है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ. एंड हाँ ऑफ कोर्स एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है जो कि है कंसीलर. तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ. तो ये सारी चीज़ें हो गई स्किन केयर के लिए और ये इम्पॉर्टेंट है आपको, तो मैंने सोचा ये आपको बता देती हूँ. प्लस आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा. जो वेबसाइट का नाम है वो है यश स्टाइल और मैं सारी लिंक्स जो हैं डिस्काउंट लिंक्स प्लस मेरा कूपन कोड जो है इंडियन गर्ल 2020 वो मैं आपको डाल दूंगी और आप लिंक्स यूज़ करके ऑर्डर कर सकते हो. अब जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हम समर में क्या पहने जिसमें हम अच्छे भी लगें, हम आराम से कंफर्टेबली घूम फिर भी सकें और हमें गर्मी भी ना लगे. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कॉटन पहनना या फिर लिनन पहनना. और ये यहाँ पर की रिक्वायरमेंट है, मतलब कॉटन एंड लिनन पहनना जो है वो यहाँ की रिक्वायरमेंट है. तो मोस्टली मैं यही ट्राई करती हूँ. जब बाहर जाते हैं और अगर आप जीन्स पहनो तो आपको बहुत ज़्यादा चुभन और गर्मी टाइप की फील होती है. तो उसमें भी मैं ट्राई करती हूँ जो मेरे शॉर्ट्स हों और जो टी शर्ट हों वो भी कॉटन बेस्ड हो. इफ़ आई एम वेयरिंग एनी काइंड ऑफ ड्रेस वो भी जो मटेरियल हो वो मेरे को कंफर्टेबल हो. तो मैं ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखती हूँ. कुछ फोटोज़ मैं आपको बताती हूँ जो मैंने यस स्टाइल से ऑर्डर करे थे एंड बहुत ही ट्रेंडी आए, बहुत ही अच्छे लगे. लोगों ने मुझसे पूछा भी ये आपने कहाँ से ख़रीदे हैं, वो आप देख सकते हो. मैं पिक्चर डाल देती हूँ उसके. ऑफ कोर्स जो मैंने पहना है ये भी वहीं का है. तो दिस इज़ अ जंप सूट एंड जंप सूट इज़ ऑल्सो अ कम्फर्टेबल ऑप्शन आप लोगों के लिए, चाहे वो कॉटन का जंप सूट हो या फिर लेनिन का जंप सूट हो. दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन. इसके अलावा भी कुछ पीसेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जस्ट वेट फॉर इट. सो आई ऑल्सो प्रिफर वाइट कलर. तो आप ये ड्रेस देख रहे हो, ये नी लेंथ की ड्रेस है. मैं पिक्चर डाल दूंगी आप लोगों के लिए. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है. तो कुछ स्पेशल इवेंट या स्पेशल ट्रैवल के लिए मैं इस टाइप की ड्रेस प्रेफर करती हूँ. इसका जो मटेरियल है वो कॉटन बेस्ड मटेरियल है एंड बिकॉज ऑफ अंदर लाइनिंग की वजह से आपको अंदर कुछ भी जो है वो वियर करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ये वाली जो ड्रेस है वो मैं आपको बताऊंगी. एंड देन दिस वन अगेन, जितना ज़्यादा लूज क्लोथ्स होते हैं उतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं गर्मी में, बिकॉज जब टाइट कपड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपकते हैं. तो ये भी कॉटन लिनन बेस ड्रेस है और नी लेंथ तक की ड्रेस है. अगर जैसे आपको स्लीवलेस पहनने में अनकम्फर्ट है तो आप ये फुल स्लीव्स की ड्रेस भी ऑर्डर कर सकते हो. एंड दिस टॉप इज ऑल्सो ब्यूटिफुल टॉप. नीचे शॉर्ट्स के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हो या जीन्स के साथ ट्राई कर सकते हो. इवन दिस इज अ पार्टी वेयर, बट अगेन इसका जो मटेरियल है वो प्योरली गर्मियों में पहनने लायक है. इसके अलावा मैंने कुछ वेबसाइट्स और पे कुछ गारमेंट्स ट्राई करे थे विच टर्न आउट्स रियली वेल. उसके भी मैं पिक्चर्स आप लोगों को डाल देती हूँ. और
और गाइज आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, कुछ टिप्स मिले क्या आपको, या आपके मन में भी कुछ धारणा थी यूरोप या जर्मनी से रिलेटेड कि यार यहाँ गर्मी नहीं होती और अगर गर्मी भी होती है तो सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अपनी स्किन की केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूर कमेंट करना। और वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा वो भी बताना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता नहीं थी जो मैंने आपको बताई वो बताना। ये जितने भी मैंने गारमेंट्स बताए थे प्लस जो मैंने ट्राई करे थे अपने रीसेंट ट्रैवल में, उसमें से सबसे अच्छा आपको क्या लगा वो भी बताना। सारी ही लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इन केस आपको इनमें से कुछ भी चीज़ शॉप करनी है तो आप कर सकते हो, आपको एडिशनल डिस्काउंट भी दूंगी मैं। एंड होपफुली इस तरीके के वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हों, मैं बीच बीच में आपको इस तरीके के वीडियो जो है वो लाती रहूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में, आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो उस ट्रैवल ब्लॉग के लिए, एंड वी आर ऑल्सो लाइक मैं और दीपक हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और वो ट्रैवल ब्लॉग जो है वो हम कुछ बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं, और इस वीक में और भी वीडियोस लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। और अभी के लिए मैं जाती हूँ गाइज, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा और थम्स अप करना ज़रूर मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज इस बार इटली मतलब इटली जा रहे हैं हम लोग, इस बार इटली वाली जो सीरीज़ है वो आने वाली है नेक्स्ट, और उसमें हम लोगों ने करी है बहुत ही ज़्यादा मस्त।